हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और बर्मा के बीच की खूबसूरत पहाड़ों में बसा एक छोटा सा राज्य है, जिसकी परंपराएं और प्रथा देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के ज्यादातर लोग किसी भी एक भाषा में बात नहीं करते और जहाँ के बहुत सारे लोग खाने में कुत्ते का मांस खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं नागालैंड की कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूऑनफैक्ट की दुनिया में। नागालैंड की खूबसूरती के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड की जनसंख्या दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले ना के बराबर है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 19 लाख है और ये भारत के किसी भी राज्य के एक जिले से भी कम है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के लगभग 88% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 8.5% और मुस्लिम सिर्फ 2.5% ही हैं। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिस कारण ये बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। नागालैंड में 100 से अधिक जनजाति और उपजाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी संस्कृति, मान्यताएं, रीति रिवाज आदि सब एक दूसरे से अलग है। इसलिए नागालैंड में कोई भी एक भाषा नहीं बोली जाती, पर अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आयो है, जिसमें सिर्फ 12% लोग ही बात करते हैं। नागालैंड की बहुत सी जनजाति अपने पाँव में कड़ा पहनती है। कहा जाता है कि इससे उन लोगों को पेड़ पर चढ़ने में आसानी होती है। नागालैंड का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ के निवासी रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं। नागालैंड की नागा संस्कृति के हिसाब से नागालैंड के ज्यादातर लोग कुत्ते का मांस खाना पसंद करते हैं और इसको वहाँ की सदियों से चली आ रही संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। लेकिन नागालैंड में ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुत्ते का मांस नहीं खाते। आप रात में सपना देखकर भूल जाते होंगे, लेकिन यहाँ की कुछ जनजाति के लोग सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ लोग सपनों के जरिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि नागालैंड की कुछ जनजाति बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों का जाना आज भी वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ जनजाति नरभक्षी है। भारत के ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नागालैंड के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और यहाँ के लोग जंगलों में शिकार कर पेट भरते हैं और यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा का प्रतिशत पहले की तुलना में काफी बड़ा है। यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 80 से बढ़कर 85 हो गया है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। यहाँ की हैरान करने वाली बात यह है कि नागालैंड के 80% लोग कृषि का काम करते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते। नागालैंड की चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप पटाखे नहीं छोड़ सकते। हालांकि नागालैंड के बहुत सारी जगह पे कभी कभी पटाखों से ज्यादा बम फटते हैं। नागालैंड में विस्की, रम और बियर को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अल्कोहल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नागा संस्कृति के हिसाब से नागालैंड में काफी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसलिए नागालैंड को उत्सवों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ के त्योहार में सबसे ज्यादा प्रचलित त्योहार होर्नबिल उत्सव है, जो 1 दिसंबर से 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नागालैंड जाना हो तो प्लीज नागालैंड में सावधानी से जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप किस देश के बारे में सुनना चाहते हो, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए।